आज हम बहुत सी चीजों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं जो किसी घटना की वजह से हमारे सामने आई। तो आज हम भी एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे जिसने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हम बात करने जा रहे हैं आग के बारे में। क्या आप जानते हैं आग की खोज कैसे और किसने की? तो चलिए जानते हैं आग के इतिहास के बारे में। इसके बारे में कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन माना जाता है होमो इरेक्टस जो शुरुआती मानव की एक प्रजाति थी, उन्होंने आग की खोज लगभग 4 लाख साल पहले की थी। प्राचीन समय में पत्थरों के आपस में रगड़ने या बिजली गिरने से जंगलों में आग लग जाती थी, जिससे आदिकाल के लोग डरते थे। लेकिन जब यह आग बुझ जाती थी तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो जानवर जल जाते थे उनका मांस खाने में बहुत अच्छा होता था। इसी को देखकर होमो इरेक्टस ने पत्थरों से आग जलाना सीखा। धीरे धीरे होमो इरेक्टस खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। वह आग का इस्तेमाल अन्य जानवरों और ठंड से बचने के लिए भी करने लगे। समय के साथ जैसे जैसे मानव विकसित होते गए, उन्होंने और अन्य संसाधनों से आग जलाना सीख लिया। आज के समय में बहुत सी ऐसी तकनीक है जिससे हम आग जला सकते हैं। क्या आप जानते हैं आग को जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है? ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। इन 3 चीजों के बिना आग नहीं जल सकती। तो कुछ और इस तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट गुरुशाला के साथ।